दोस्तों, पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा वंदे भारत एक्सप्रेस में सवार होके हावड़ा से पुरी तक मेरी ट्रेन जर्नी की कहानी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप लोग वहां जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में आप लोग जानेंगे पुरी में मेरा होम स्टे और पुरी में स्थित मिस्टीरियस जगन्नाथ टेम्पल के बारे में कुछ सुनी अनसुनी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पूरी सीरीज की एक नई वीडियो में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। स्टेशन से मैं निकल चुका हूं और अभी मुझे यहां से लेना है एक ऑटो। ऑटो लेकर मैं जाऊंगा पूरी मंदिर के पास। मैंने एक होम स्टे बुक किया है। ये सामने जो पूरी स्टेशन है, यहां से आप निकलेंगे, निकलते ही सामने आपको मिलेंगे बहुत सारे ऑटो और यहां से आपको बार्गेन करके आपके होटल तक जाना है। जो भी ऑटो फेयर होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो पहले चलिए एक बार जाके ऑटो वाले से बात करके देखते हैं कि क्या फेयर है यहाँ से। एक ऑटो वाले से बात किया है, वो 200 रुपया मांग रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि जो ऑटो है वो मंदिर के पास तक नहीं जाता है। देखते हैं 200 से अगर कोई कम में जाता है, क्योंकि वो मंदिर से काफ़ी दूर में उतारेगा। वहाँ से करीबन 1 किलोमीटर पैदल चलना है, तो 200 रुपये मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा है। एक बार बार्गेन करके देखते हैं कि कितने में आता है ऑटो। फाइनली एक रिक्शा ले लिया है मेरे होम स्टे तक जाने के लिए, क्योंकि ऑटो वाला जो है वो 150 रुपये चार्ज कर रहा था और होम स्टे से काफ़ी दूर में उतारेगा। ये रिक्शा जो है बिल्कुल होम स्टे तक जाती है। अगर आपको मंदिर तक भी जाना है तो रिक्शा प्रेफरेबल है। अगर आप ऑटो में जाते हैं तो वो थोड़ा दूर में उतारेगा, आपको वहाँ से जो है पैदल चलना पड़ेगा। और जहाँ पर ऑटो वाला चार्ज कर रहा था 150-120 रुपीज, रिक्शा में मैं पे कर रहा हूँ ओनली 70 रुपीज। और कुछ ही देर में मुझे दूर से जगन्नाथ टेम्पल नजर आने लगी थी। दोस्तों, फाइनली पहुंच गया हूं मेरा होम स्टे पे। मेरे पीछे जो ये घर देख रहे हैं यही है मेरा होम स्टे, और एकदम बिल्कुल सामने ही है ये मंदिर, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो चलिए पहले चेक इन करते हैं और उसके बाद आप लोगों को एक रूम टूर भी दूंगा और उसके बाद हम लोग पूरी एक्सप्लोर करेंगे। हमारा रूम जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे है, और ये जो रूम आप देख रहे हैं सामने ही, ये है नॉन एसी रूम। हमने बुक किया था एसी रूम, तो वो है कॉर्नर वाला रूम जो है हमारा है। रूम के साथ वाईफाई मिल जाएगा, जिसका आईडी और पासवर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। और आगे जाके लेफ्ट हैंड साइड पे है ये रूम। यहाँ पर है एक डबल बेड, इस तरफ है एसी, फैन दिया हुआ है, यहाँ पर एक लाइट, और यहाँ पर जगन्नाथ जी का एक फ़ोटो है। रूम के अंदर घुसते इस तरफ एक बैल्कनी, तो बैल्कनी में भी लेकर जाऊंगा। उससे पहले रूम में दिखा देता हूं आपको, ये है टेबल, यहां पर एक मिरर दिया हुआ है। इस घर का स्विच बोर्ड आप देख सकते हैं, काफ़ी पुराने दिनों जैसा है। इनका दरवाज़ा, ये जो खिड़की है, इवन ये जो बेड है, ये बिल्कुल पुराने आर्किटेक्चर जैसा है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और ये है बैल्कनी जो कि काफ़ी बड़ा है, और उस रूम से भी जो नॉन एसी रूम है वहाँ से भी इसका एक्सेस मिल सकता है। और सीधा जो है वो है वॉशरूम, इस तरफ है मंदिर। इस होम स्टे का छत से भी मंदिर जो है वो क्लियरली दिखाई देता है और बैल्कनी से भी दिखाई देता है, बट आई होप बैल्कनी से आप लोगों को दिखा नहीं पाऊँगा, तो शायद कैमरा कैप्चर ना करे, फिर भी एक बार कोशिश करके देखता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये जो आप देख रहे हैं ये है जगन्नाथ मंदिर, तो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है इस रूम से। ये है वॉशरूम जो बिल्कुल बेसिक सा है। ये रूम लेने का मेन रीज़न ये है कि ये बिल्कुल मंदिर के सामने है। दूसरा ये रीज़न है कि ये मुझे हमेशा से ही होटल से ज़्यादा अच्छा लगता है होम स्टे, और ये होम स्टे मैंने जैसे ही देखा मुझे इमीडिएटली पसंद आ गया है, क्योंकि इसका जो आर्किटेक्चर है, जिस तरह से ये बनाया हुआ है, बिल्कुल पुराने घरों की तरह बनाया हुआ है। पहले आप लोगों को टेरिस में जाके दिखाता हूँ कि यहाँ से जगन्नाथ मंदिर का जो व्यू है वो कितना खूबसूरत आता है। इस सीढ़ी से आप टेरिस की तरफ जा सकते हैं, तो चलिए ऊपर चलते हैं एक बार। तो ये है टाउन पुलिस स्टेशन पुरी। तो आप लोग अगर यहाँ पर आए तो ये एक लैंडमार्क है, जिसके ऑपोजिट में ये होम स्टे है। तो अभी मैं खड़ा हूँ उस होम स्टे का छत पे। तो स्टेशन इस तरफ है, स्टेशन के तरफ से हम लोग यहाँ से आए, और पहले है अपना होम स्टे,
और उसके बाद थोड़ा सा आगे यानी कि अगर एक मिनट भी अगर पैदल चलते हैं तो सामने है जगन्नाथ देव का मंदिर, और यहाँ से इसका व्यू बहुत बढ़िया है। मैं एक बार आप लोगों को जूम करके दिखाने का कोशिश करता हूँ। रूम में चलते हैं और आप लोगों को बताता हूँ कि ये रूम आप कैसे बुक कर सकते हैं, कितना प्राइस है, सारा डिटेल। इस रूम के लिए मैंने पे किया है 1100 रुपये पर नाइट। आप चाहे तो ये रूम मेक माई ट्रिप, गो आईबीबो या फिर एयरबीएनबी से बुक कर सकते हैं, पर मैंने डायरेक्टली इनको फ़ोन करके ये रूम जो है बुक कराया था। सीजन वाइज इस रूम का जो रेंट है वो चेंज होते रहता है। आप लोग चाहे तो डायरेक्टली कॉल करके या फिर ऑनलाइन में चेकआउट करके ये रूम बुक कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का नाम है प्रसाद कुटीर। तो प्रसाद कुटीर का जो ओनर है वो है मिस्टर सुजॉय, जिसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर मैं स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन कर दूंगा। आप लोग चाहे तो डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट है वहाँ से भी आप लोग जाके बुक कर सकते हैं। तो उसका भी जो बुकिंग लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि आप लोग वहाँ से जाके डायरेक्टली बुक कर सकें। तो काफ़ी टाइम हो गई है, वैसे ही ट्रेन जो है काफ़ी लेट से आया है और लंच मैंने किया नहीं है, तो पहले चलिए कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट देख के पहले लंच करते हैं और उसके बाद पूरी टूर करते हैं। स्वर्गद्वार के पास पारिजात रेस्टोरेंट से मैंने लंच किया और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं पहुंच गया जगन्नाथ मंदिर में। आज से बस कुछ ही दिनों में है पुरी का सबसे बड़ा फेस्टिवल रथ यात्रा, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, और इसीलिए पूरे मंदिर को बहुत खूबसूरती से सजाया जा रहा है। दोस्तों बस कुछ ही दिनों में है रथ यात्रा और यहाँ पर रथ बनाने का काम जोरों शोरों से चल रही है। मेरे सामने ये तीन रथ रखे हुए हैं, यहाँ पर एक रथ है, यहाँ पर एक रथ है और उस तरफ एक रथ बन रहा है। दोस्तों ये तीनों रथ में से एक रथ है जगन्नाथ जी का, दूसरा है बलभद्र जी का और तीसरा है उनकी बहन सुभद्रा देवी का। दोस्तों तो आज हम लोग दर्शन करेंगे हिंदू धर्म के चार बड़े धामों में से एक जगन्नाथपुरी धाम की, जिसे धरती का बैकुंठ धाम भी कहा जाता है। तो मैं अभी खड़ा हूँ पुरी मंदिर के बिल्कुल सामने। कहते हैं जगन्नाथ जी का अगर बुलावा नहीं आता है तो आप पुरी नहीं आ सकते, तो शायद मेरा बुलावा आया है इसलिए आज मैं आया हूँ पुरी में। पुरी मंदिर के अंदर किसी भी तरीके का मोबाइल या वीडियो कैमरा अलाउड नहीं है। इस वीडियो के जरिए पूरा डिटेल जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। 1800 साल से भी प्राचीन इस भव्य मंदिर में आज भी भगवान श्री कृष्ण का दिल जगन्नाथ देव के अंदर धड़क रही है। हिंदू शास्त्र में ऐसा मान्यता है कि चारों धामों में से बद्रीनाथ धाम में श्री विष्णु स्नान करते हैं, द्वारका धाम में नए वस्त्र पहनते हैं, पुरी धाम में भोजन करते हैं और रामेश्वरम धाम में विश्राम करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी इस रसोई में लाखों की संख्या में भक्त भोजन कर सकते हैं और इस प्रसाद को बनाने के लिए 500 रसोइये और 200 सहयोगी हर रोज दिन रात मेहनत करते हैं। चाहे भक्तों की संख्या कितनी भी हो, पर प्रसाद में कभी भी कमी नहीं आती। इस रसोई में एक के ऊपर एक मिट्टी के बर्तनों को रखकर पकाया जाता है और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि सबसे ऊपर वाली बर्तन में खाना सबसे पहले पकता है और सबसे नीचे वाले बर्तन में सबसे आखिर में। दोस्तों ये है मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार, जिसे सिंह द्वार भी कहा जाता है। यहाँ पर 5 हाथी मुख से निकलने वाली जलधाराओं पे अपने हाथ और पैरों को धोकर सूर्य स्तंभ को नमस्कार करते हुए आप मंदिर में प्रवेश करते हैं। इस मंदिर में गैर सनातनियों के प्रवेश करने की अनुमति नहीं है और इसीलिए भगवान जगन्नाथ रथयात्रा के समय हर साल बाहर आकर अपने सारे भक्तों को दर्शन देते हैं। कहते हैं मंदिर के ऊपर लगाया हुआ पतित पावन बाना का दर्शन करना भी अपने आप में जगन्नाथ देव के दर्शन करने के बराबर है। हर रोज इस पतित पावन बाना को बदला जाता है। अगर एक भी दिन ऐसा नहीं किया गया तो अगले 18 सालों के लिए मंदिर को बंद कर दिया जाएगा। इस पतित पावन बाना को आप हमेशा हवा के विपरीत में ही उड़ते हुए पाएंगे और इसका रहस्य आज भी विज्ञान ने नहीं खोज पाया है। मंदिर के ऊपर इस अष्ट धातु से बने हुए चक्र का नाम है नील चक्र, जिसे आप किसी भी दिशा पर खड़े होकर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि उसका मुंह आपके तरफ है। अभी मैं खड़ा हूँ मंदिर के साउथ गेट पे, यानी कि दक्षिण द्वार, जिसे अश्वद्वार भी कहा जाता है। और इसी अश्वद्वार के सामने विराजमान है हनुमान जी का भी एक मंदिर।
इस मंदिर के गुंबद के ऊपर आप कोई भी पक्षी को उड़ते या बैठते हुए नहीं देखेंगे, जो कि अपने आप में एक रहस्य है। मंदिर की परिक्रमा करते हुए मैं पहुंच गया हूं मंदिर की वेस्ट गेट पे, यानी पश्चिम द्वार पे, जिसे बाघ द्वार भी कहा जाता है। जगन्नाथ देव ही एकमात्र ऐसे भगवान हैं जो अपने भाई और बहन के साथ पूजे जाते हैं, और इनकी मूर्ति पत्थर से नहीं बल्कि नीम के लकड़ियों से बनाई जाती है। हर 12 या 19 साल के बाद पुराने मूर्तियों को बदलकर नई मूर्ति स्थापित किया जाता है, और इस रिचुअल को कहा जाता है नोबोकोलेवर। ऐसा मान्यता है कि नई मूर्ति को स्थापन करते समय ब्रह्म पदार्थ नाम का कोई वस्तु नए मूर्ति पर डाला जाता है, जो कुछ और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय है। और इस दौरान पूरे शहर का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन बंद करके पूरे शहर को अंधेरा कर दिया जाता है, और जो भी पंडित इस कार्य को करते हैं उनके आंखों में भी काला पट्टियां बांधा जाता है। दोस्तों, घूमते घूमते मैं पहुंच गया मंदिर के उत्तर द्वार पे, जिसे हस्ती द्वार भी कहा जाता है, यानी कि हाथी द्वार। पुराने ग्रंथों के अनुसार पहला जगन्नाथ टेंपल बनवाया गया था अवंती के राजा इंद्रद्युम्न के द्वारा, और लगभग 10वीं शताब्दी में वर्तमान पुरी टेंपल को बनाया था ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के राजा अनंत वर्मन चोड़ागंगा ने। दोस्तों, तो मैं बाहर आ गया हूँ मंदिर के, मंदिर को अंदर से घूम के बहुत ही अच्छा लगा। दर्शन के बाद मैंने खाया जगन्नाथ देव का महाप्रसाद भी, और पुरी में आके खाजा खरीदना कौन भूल सकता है भला, तो मैंने भी अपने घर के लिए ले लिया कुछ खाजा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जगन्नाथ टेंपल के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को ठीक तरह से बता पाया। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, मिलते हैं कोई नई जगह एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।